Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School, and today I will read chapter number 2 from first flight. Okay. देखिए, 10th में don't bright and clear. देखिए, 10 मई की सुबह शानदार और स्वच्छ थी. ठीक है. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries. देखिए, दस मई की जो सुबह थी वो कैसी थी? बहुत ही शानदार एवं स्वच्छ थी. और पिछले जो कुछ दिन थे, उस कुछ दिनों से विशिष्ट जो खास व्यक्ति होते हैं वो, और संसार के जो मतलब दुनिया में जो बड़े बड़े नेता थे, वे उन्होंने क्या किया, मुझे घेर लिया. ठीक है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनेगुरेशन. ओके. तो मतलब जो भी दुनिया में बड़े बड़े नेता थे उन्होंने, और देखिए जो खास लोग थे उन्होंने मुझे घेर लिया. द इनेगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल. देखिए, दक्षिण अफ्रीका की जो जमीन थी उस पर होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का यह सबसे बड़ा क्या था, मतलब इकट्ठा होना, जहाँ पर मतलब सभी नेता आए थे, तो यह सबसे बड़ा फंक्शन था, या जमा कुछ भी बोल सकते हो आप, मीटिंग बोल सकते हो. ओके. था द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्बी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. देखिए, यह जो समारोह था यह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा एक बनाए गए सुंदर जो बालू का पत्थर था उसके रंगमंच में हुआ था, यानी कि स्टेज पर. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. तो देखिए, यह देखिए जो दशाब्दियों से बोल सकते हो आप, And now it was the site of a rainbow gathering of different colors. हाँ, देखिए, for decades this had been the seat of white supremacy. ये देखिए, दशाब्दियों तक यही श्वेत जो supremacy, यानी कि श्वेत प्रभुत्व का केंद्र बन रहा था. ठीक है, वही बना रहा था. And now, और अब, it was the site of a rainbow gathering of different colors. और अब क्या है, ये देखिए क्या बन चुका है, ये भिन्न भिन्न लोकतांत्रिक और जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोकतांत्रिक और बोल सकते हो एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका. हाँ, दक्षिण अफ्रीका का देखिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. अब देखिए, ये क्या था, दक्षिण अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक और गैर प्रजातीय सरकार जो थी उसकी स्थापना के लिए कई रंगों तथा राष्ट्रों के जो इकट्ठा होने का जो बहुरंगी जो स्थल था वो यही था दक्षिण अफ्रीका. ठीक है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जैनानी. और देखिए, शरद ऋतु के उस सुंदर दिन में मेरी बेटी जो थी जैनानी का साथ था मेरे साथ, वो मेरे साथ थी. ऑन द पोडियम, कहाँ पर, स्टेज पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले जो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई.
थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो थाबो मबेकी थे उनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया या शपथ दिलाई गई, ये बोल सकते हो। वैन इट वॉज माई टर्न, अब जब मेरा टर्न आया तो आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, मैंने संविधान के, देखिए, पालन है ना, ओबे एंड अपहोल्ड, पालन और रक्षा करने की, और अपने मतलब गणतंत्र को, इसकी जनता को, यानी कि उसके कल्याण की मैंने क्या किया, मतलब कसम ली, समर्पित किया अपने आप को टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड। और मैंने जो कहा वो वहाँ पे जितने भी अतिथि थे वो, और जो अवलोकन करने वाले थे वो संसार को, उन्होंने संबोधित, उनको मैंने संबोधित करते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आर प्रेजेंस हियर। देखिए मैंने क्या कहा, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, है ना, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। देखिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमारी उपस्थिति द्वारा जो नवजात स्वतंत्रता जो होगी उसको शान और आशा प्रदान करते हैं हम, यानी कि शौकत और होप, यानी कि कन्फर्म, यानी ग्लोरी यानी कि शान और आशा प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और देखिए जो असाधारण रूप से, यानी कि असाधारण मानवीय आपदा जो है, यानी कि लोगों पे जो आपदा आई है उसके अनुभव से जो एक लंबे समय तक रहा, जो आपदा आई थी परेशानी वो क्या रहा, लंबे समय तक रहा, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो मस्ट बी यानी कि निश्चय ही एक ऐसा और सोसाइटी, एक समाज, निश्चित ही एक ऐसा समाज का जन्म होगा जो, देखिए क्या होगा, जिस पर पूरी मानवता जो है वो क्या करेगी, गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हमें जो एक लंबे समय तक क्या करेगा, बहिष्कृत करेगा, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सोइल। अब देखिए एक जो दुर्लभ यानी कि अधिकार है हमारा, जो हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, वो क्या है, अपनी भूमि पर, हम अपनी जगह पर क्या नहीं है, विश्व को यानी कि पूरे संसार को राष्ट्रों के क्या बनाए, मेजबान, ठीक है, मेजबान बने। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पजेशन विद पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट एज। देखिए हम अपने सभी जो भी हैं अंतर्राष्ट्रीय, जो प्रेस्टिजियस है, प्रतिष्ठित जो हैं, फेमस अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, जो हमारे देश की जो लोग हैं, जनता है, उसके साथ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, हमारे देश की जनता के साथ, ठीक है, न्याय, शांति और लोगों में प्रतिष्ठा की जो विजय को प्राप्त करते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा मतलब जिताना, उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल एमनिसिपेशन
देखिए हम लास्ट में, देखिए अब हमने अपनी जो राजनीतिक मुक्ति है वो क्या कर ली है, पा ली है। वी प्लेस्ड आर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अब जो हमारी पूरी जनता जो है वो गरीबी के अभाव, दुख और जो जेंडर, लिंग और जो भेदभाव होते हैं उसकी जो कंटिन्यू यानी कि निरंतरता जो बढ़ती जा रही है उससे हमें क्या दिलाएंगे, अब ये आज़ादी दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर, कभी नहीं एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं। Shall it be that this beautiful land will again experience the oppression, of one by another? देखिए अब क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो सुंदर राष्ट्र है फिर एक, देखिए कभी भी एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है उसके द्वारा दूसरे पर्सन को क्या दिया जाए, दुख दिया जाए, उत्पीड़न किया जाए, ऐसा अनुभव कभी नहीं होगा। ठीक है, और क्या है जो हमारा मतलब, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और जो गौरवपूर्ण मानव जो है, मनुष्य जो है, उसको वो कभी भी, देखिए सूर्य जो है, चंद्र जो, सूर्यमा जो है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, और स्वतंत्र का यानी कि फ्रीडम का जो शासन है वो बना रहेगा। लेट फ्रीडम राइन, है ना, फ्रीडम का जो शासन है बना रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को सुख संपत्ति प्रदान करे या बनाए। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।